हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 की, जो कि आज लॉन्च होने वाला है इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा द्वीप से। ठीक है, देखिए कुछ पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखिए, पहले नंबर पर क्या होगा, जो एलवीएम थर्ड रॉकेट्स है उससे चंद्रयान 3 मॉड्यूल लॉन्च होगा और 16 ही मिनट बाद यह क्या होगा, पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा सेकंड पार्ट में। ठीक है, थर्ड में क्या होगा, यह 22 दिन तक पृथ्वी के एलिप्टिकल ऑर्बिट में रहेगा। ठीक है, और मैन्यूर्स की सहायता से मॉड्यूल अपनी एलिप्टिकल ऑर्बिट का दायरा धीरे धीरे बढ़ा देगा। उसके बाद क्या होगा, 5 नंबर पर देखिए, ऑर्बिट ट्रांसफर होगा और 6 दिन तक मॉड्यूल चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, 6 नंबर पर देखिए, मॉड्यूल पृथ्वी के ऑर्बिट से निकलकर मून के ऑर्बिट में एंटर होगा। ठीक है, और 13 दिन का चंद्रमा का चक्कर लगाएगा, 13 दिन तक उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा धीरे धीरे प्रवेश करने के लिए। 8 नंबर पर देखिए, 100 किलोमीटर ऊपर से प्रोफेशनल मॉड्यूल से लैंडर अलग होगा। ठीक है, और 100x30 किलोमीटर की ऑर्बिट में लैंडर अपनी स्पीड कम करना शुरू कर देगा। 10 नंबर में क्या होगा, लैंडिंग के बाद रोवर रैंप से बाहर निकलेगा और 14 दिन के एक्सपेरिमेंट करेगा। चंद्रयान थर्ड में 3 हिस्से हैं। नंबर एक प्रोफेशनल मॉड्यूल, जिसका वजन कितना है, 2148 किलोग्राम। ठीक है, इसकी जो लाइफ है वो 3 से 6 महीने की है। प्रोफेशनल मॉड्यूलर लैंडर और रोवर का इंजेक्शन ऑर्बिट है। ठीक है, 100x100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट से ले जाएगा। इस मॉडल का मेन फंक्शन लैंडर मॉड्यूल को लॉन्च व्हीकल इंजेक्शन ऑर्बिट से लैंडर सेपरेशन तक ले जाना है। ठीक है, सेकंड देखिए, विक्रम लैंडर, इसका जो वजन है 1726 किलोग्राम है और जिसकी लाइफ है 14 अर्थ डेज है। ठीक है, यानी पृथ्वी के जो 14 दिन है वही इसकी उम्र है। ठीक है, विक्रम लैंडर अपने साथ रोवर ले जाएगा। ठीक है, जो क्या करेगा, चंद्रयान पर जो रिसर्च करेगा। ठीक है, प्रोफेशनल मॉड्यूल से अलग होने के बाद यह ऑन बोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से चंद्रमा पर लैंड करेगा। लैंडिंग के वक्त इसकी स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड होगी। यह चंद्रमा 2 के ऑर्बिट और चंद्रमा 3 के रोवर से कम्युनिकेट करेगा। बात करें 3 नंबर की, प्रज्ञान रोवर की। ठीक है, इसका वजन कितना है, 26 किलोग्राम है और जो इसकी लाइफ है 14 ही दिन है, जो पृथ्वी पर 14 दिन होते हैं। ठीक है, प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के लैंड होने के बाद बाहर आएगा। सोलर पैनल की मदद से यह पावर जनरेट करेगा। यह सिर्फ लैंडर से कम्युनिकेट कर सकता है, यानी रोवर लैंडर को डेटा भेजेगा और लैंडर इस डेटा को आगे भेजेगा। पहला चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। इसने कम्युनिकेशन टूटने से पहले चंद्रमा पर पानी का पता लगाया था। दूसरा चंद्रयान 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था, लेकिन 7 सितंबर 2019 को लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान के साथ लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। साथ ही अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे, और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आशा करते हैं हमारा इसरो इस कार्य में सफल होगा, और उसके लिए इसरो को बेस्ट ऑफ लक हमारी ओर से, और हम इसरो से प्रार्थना करेंगे कि हम इस मिशन में सफल हों। धन्यवाद।